प्रदेश के हरदोई के शाहबाद और मलावा कस्बे में हॉटस्पॉट के कारण पूरे तरीके से जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। दरअसल इसी इलाकों में पहले 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब लगातार प्रशासन एहतियात बरत रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और आज लॉकडाउन का 2रा दिन है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि इन जिलों में संक्रमण कम रहेगा, उन जिलों में लॉकडाउन में रियायतें भी मिल सकती हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर उपजिला अधिकारी शाहबाद ने और बिरग्राम ने जिले के शाहबाद मल्लावा कस्बे को 3 दिन के लिए पूरी तरह से हॉटस्पॉट कर दिया है। इस दौरान जिसमें सभी जरूरी चीजों की दुकानें और बैंक भी बंद कर दिए गए हैं, साथ ही यहां ड्रोन कैमरे से लगातार पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की 20 टीमों का गठन किया गया, जो हर मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय भी बता रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अभिषेक अवस्थी, CSC टोडरपुर। हम लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। मैं और मेरी टीम यहाँ पर आए और यहाँ पर जितने भी घर दिए गए थे उनकी हम लोगों ने प्रॉपर स्क्रीनिंग की, उसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग भी उन लोगों की और उनको ये भी हिदायत दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और आपस में साफ सफाई रखते हुए कोई भी चीज़ को जो है ना छुएं, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। और जितने भी घर थे उसमें सब देखे गए केस, कहीं पर भी हम लोगों को कोई ऐसा केस नहीं मिला है और सारे लोग सही हैं, सुरक्षित हैं, किसी में भी कोई साइन सिम्टम ऐसे हम लोगों को दिखाई नहीं पड़े। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो हम लोग तुरंत उसको जांच के लिए भेजेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल तिवारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोंडरपुर से। शाहबाद के लिए टीम लगाई गई जो कि निर्देश प्राप्त हुए थे, हमसे कहा गया था कि सब कहीं जाके चेक करना है। मामन मोहल्ला हमको मिला है, मामन मोहल्ले में एक एक घर जाके मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। इसमें हमको कोई भी सब ठीक ठाक मिल रहे हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि कहीं पर किसी को फीवर हो या बुखार हो। लोगों को बता भी रहा हूँ कि खांसी जुकाम बुखार किसी भी व्यक्ति को हो वो तुरंत हमको बताए और सूचना दे, जिससे उसको ठीक किया जा सके, उपचार किया जा सके। बाकी हमारी टीम बढ़िया काम कर रही, साफ़ सफाई के बारे में बता रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोल रहा हूँ। लॉकडाउन का जो 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जो कुछ हमारे हॉटस्पॉट एरिया है, जैसे पिहानी है, बिलग्राम है, इन सब जगहों पे ऐसा ना हो कि लोग छतों पे इकट्ठे हों, गलियों में इकट्ठे हों, इस तरह की चीज़ों को ड्रोन के माध्यम से हम लोग इसकी निगरानी कर रहे थे और उनको लाउड स्पीकर से बार बार इस बात के अनाउंस करके उनको इस बात का आगाह भी करा रहे हैं कि आप लोग घरों के अंदर ही रहें, छतें ही बाहर न निकलें, क्योंकि इन दोनों एरियाज में एक एक पॉजिटिव केसेज हमारे पास आए हैं, उनके लिंक्स भी। ये तो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ और एरियाज को चिन्हित किए हैं जिसमें हम लोग 100% लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे और वहाँ बैरिकेटिंग इत्यादि लग रही है, ड्यूटियाँ लग रही हैं। साथ ही साथ वहाँ भी हम लोग ड्रोन चलाएंगे कि भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि इस तरह से कंजेस्टेड आबादी है और लोग बाहर से भी आए हैं तो इस तरह की कोई संभावना अगर हो तो भी खत्म हो जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.